अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के पॉइंट समझे थे। आज के लेक्चर में हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 10 पॉइंट समझाए थे, उम्मीद है कि वो 10 पॉइंट्स आप लोग समझ आ गए होंगे। तो आज हमने उसी 10 पॉइंट्स को मद्देनजर रख के प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड बाय अली एंड कंपनी ड्यूरिंग जून 2020। अब फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 14,800। अब देखें, मैंने जब आप लोगों को पॉइंट समझा रहा था तो उसमें मैं ये बताता था कि कैश बुक में जमा करेंगे बैंक स्टेटमेंट में। असल में उसमें जमा नहीं करेंगे, वो सिर्फ आप लोगों के समझाने का मकसद था। असल में जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, बैंक से स्टेटमेंट आती है, कैश बुक भी सामने पड़े होते हैं, आप लोग एक पेज रखते हैं और पेज में इस तरह का फॉर्मेट बना देते हैं। फॉर्मेट बना के कैश बुक का एक कॉलम, बैंक स्टेटमेंट का कॉलम, इनकी अब आप लोग एडजस्टमेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर समझ आ जाएगा। तो लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीज 14,800। हमारे पास कैश बुक में बैलेंस कितना है, 14,800 हमारे पास कैश बुक में है, और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है, 40,000। तो बैंक स्टेटमेंट में मैं 40,000 रुपीज लिख लूंगा। मुझे जरा ये बताएं, ये दोनों अमाउंट एडजस्टेड है अनएडजस्टेड है? अनएडजस्टेड है ना, एडजस्टेड होती दोनों सेम होती, तो अनएडजस्टेड है। यहां इसके ऑपोजिट साइड पे लिख लेंगे अनएडजस्टेड बैलेंसेस, यानी दोनों अमाउंट अनएडजस्टेड है, हमने लिख लिया अनएडजस्टेड बैलेंसेस। अब आप लोग क्या करेंगे, सारी ट्रांजेक्शन पढ़ के प्लस माइनस लगाएंगे, कौन से प्लस वाली कौन से माइनस वाली है। अच्छा, लिखा हुआ बैंक सर्विस चार्जेस 1,000 नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यानी बैंक ने हमसे सर्विस के पैसे काटे हैं लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। अब हुआ ऐसे है कि हमारे पास कैश बुक भी पड़ी है, बैंक से स्टेटमेंट आ गई, स्टेटमेंट आई, हम स्टेटमेंट रीड आउट कर रहे थे तो उसमें लिखा था कि सर्विस चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, 3,000 बैंक स्टेटमेंट से माइनस हुए हुए थे। हमने कैश बुक में देखा, कैश बुक से माइनस नहीं हुए थे, तो हमें पता चल गया कि बैंक वाले ने हमसे सर्विस के पैसे काटे, तो हम कैश बुक से पैसे माइनस करेंगे। तो इसके साथ आप लोग क्या करेंगे, सी माइनस लिख लेंगे, ये सी माइनस वाली एंट्री हो गई। कैश बुक से माइनस करेंगे, सी माइनस लिख लिया। इसके बाद है ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक 800 नॉट एंटर्ड रिकॉर्डेड बाय कैश बुक, यानी कि बैंक वाले ने हमसे ज़कात के पैसे काट लिए, बैंक से तो माइनस हो चुके हैं, हम लोगों ने कहाँ से माइनस करने, कैश बुक से। तो इसके साथ भी आप लोग सी माइनस लिख लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रुपीज 20,000। हुआ ऐसे है कि हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट जाके बैंक में पैसे जमा करवा दिए थे। जब बैंक से स्टेटमेंट आई तो स्टेटमेंट में 20,000 जमा हुए थे, कैश बुक में नहीं जमा हुए थे। हमने स्टेटमेंट पढ़ी तो उससे हमें पता चला कि हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा किए, बैंक में तो जमा हो चुके, अब आप लोग कहाँ पर जमा करोगे, कैश बुक में। तो ये हमारे पास क्या है, ये सी प्लस है, कैश बुक में प्लस करेंगे अमाउंट। क्लियर। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग चेक 12,000, 12,000 रुपये अनप्रेजेंटेड चेक। मैंने आप लोगों से कल लेक्चर में समझाया था कि अनप्रेजेंटेड चेक में क्या होता है, आपने बंदे को चेक दिया, बंदे लेके अपने पास रख दिया, आपने कैश बुक से माइनस कर दिया, इस दौरान जब बैंक से स्टेटमेंट आई तो स्टेटमेंट से माइनस नहीं हुए थे, तो आप बैंक स्टेटमेंट से क्या नाम है खुद ही माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो बंदा एक दो दिन में जाके बैंक से निकाल लेगा। तो ये क्या है, ये बी माइनस वाली एंट्री है। क्लियर। इसके बाद है इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक रुपीज 3,000। हमें बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया 3,000, बैंक से स्टेटमेंट आई उसमें 3,000 जमा हुए हुए थे, आपने कैश बुक में देखा, कैश बुक में जमा नहीं हुए थे, आपने पढ़ा तो आपको पता चला बैंक वालों ने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, बैंक में तो जमा हो गया, अब आप लोग कहाँ पर जमा करेंगे, कैश बुक में। तो इसके साथ आप लोग सी प्लस लिख लेंगे। क्लियर। अब लास्ट एंट्री में अनक्लियर चेक 8,000 है, तो ये हमारे पास क्या है, बी प्लस है। बी प्लस कैसे हुआ, यानी कि आपने बंदे से चेक लिया, कैश बुक में जमा कर दिया, आपने 8,000 कैश बुक में जमा कर दिए, आप वो चेक लेके चले गए बैंक में, बैंक में जमा किया लेकिन वो उस दौरान डायरेक्ट जमा नहीं होगा, 29 तारीख है, उसको क्लियरेंस में 1 से 2 दिन लगेंगे। अब जब 30 तारीख को आपके पास स्टेटमेंट आती है तो स्टेटमेंट में वो जमा नहीं हुए थे, तो आप बैंक स्टेटमेंट में खुद ही जमा कर ले, बी प्लस है। क्लियर। आप लोगों ने सब पे सब ट्रांजेक्शन पढ़ के सबका प्लस माइनस लगा लिया। ये लगाने के बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। अब देखिए, हमारे पास पहला कॉलम कैश बुक का है, दूसरा कॉलम बैंक स्टेटमेंट का है, तो हमने सबसे पहले कैश बुक में एडजस्टमेंट करनी है क्योंकि पहला कॉलम हमारे पास कैश बुक, आप लोग मर्जी है बैंक में कर रहे हैं या कैश बुक में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दोनों सेम आनी चाहिए। तो मैं यहां पहली हेडिंग दूंगा एडजस्टमेंट इन कैश बुक,
मैंने पहले हेडिंग दे दी एडजस्टमेंट इन कैश बुक, सबसे पहले मैं ऐड लिखूंगा। ऐड का मतलब क्या है? जमा करना, ऐड करना। अब हम यहां पर देखेंगे कैश बुक में जो ऐड वाली एंट्रीज है वो यहां पर पुट करेंगे। तो हमारे पास पहली एंट्री आ रही है पांच डेट वाली, फाइव, सीरियल नंबर फाइव है, फाइव लिखेंगे। फाइव में क्या लिखा हुआ था? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ये लिख के 20,000 मैंने यहां लिख लिए, मैंने कॉलम में डायरेक्ट नहीं लिखे। अब मैं बताता हूं ये मैंने यहां पर क्यों लिखे हैं। क्लियर? मैंने यहां पर प्रॉपर तरीके से लिख लिए 20,000 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। इसके बाद सी प्लस वाली एक एंट्री तो हो गई, दूसरी एंट्री कौन सी है? सीरियल नंबर सेवन, यहां सेवन लिखा मैंने। क्या है? इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। मैं लिख लूंगा इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट दिया हमें? 3,000। तो यहां पर मैंने 3,000 रुपीज लिख लिए। इसके अलावा और सी प्लस वाली कोई एंट्री है? नहीं है। सी प्लस वाली दो ही एंट्रीज थी जो मैंने यहां रिकॉर्ड कर ली। एक था हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए थे 20,000 जो हमने कैश बुक में जमा नहीं किए थे, अब हमने लिख लिया। और फिर हमें बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया, दोनों को जमा करें टोटल कितना आ रहा है? बेटा इन दोनों को टोटल करके जमा करके फिर उधर ट्रांसफर करेंगे, टोटल 23,000 आ रहे हैं, 23,000। 14,800 हमारे पास पहले के हैं, 23,000 इसमें जमा किए तो कितने हो गए? 37,800 हो गए। इसका मतलब कैश बुक में हमारे पास बैलेंस फिलहाल 37,800 आ रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं सी माइनस की तरफ। अब आप लोग यहां एडिंग देंगे लेस, लेस का मतलब माइनस करना। अब जो सी माइनस वाली एंट्रीज है वो लिखेंगे। देखें सी माइनस वाली पहली एंट्री है सीरियल नंबर थ्री की, क्या लिखा हुआ है? बैंक सर्विस चार्जेस। तो आप लोग यहां पर लिख लेंगे बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितने हैं? 1,000 रुपीज मैंने यहां लिख लिया। इसके बाद सीरियल नंबर फोर, ज़कात डिडक्शन, 800 रुपीज है। इसके अलावा और कोई सी माइनस वाली एंट्री नहीं है। जो सी माइनस वाली दो एंट्रीज थी सीरियल नंबर थ्री और सीरियल नंबर फोर की, वो मैंने नोट कर ली। अब इन दोनों को जमा करें कितना आ रहा है? 1,800 रुपये। इसको मैं ब्रैकेट में लूँगा क्योंकि अकाउंटिंग हमारे पास रूल है, जो चीज़ आप लोग माइनस करते हैं उसको आप लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। आपको अकाउंटिंग में ब्रैकेट में अमाउंट मिलेगी तो समझ जाए कि ये माइनस में है। अब हमने 1,800 माइनस करें तो हमारे पास कितने आ गए? 36,000। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखें हुआ ऐसे कि बैंक से स्टेटमेंट आई, हमने कैश बुक भी सामने रखी, अब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे, हमें पता चला कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, हमारे बैंक में 20,000 रुपये जमा हुए हैं जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो हमने लिख लिया कि अब हम जमा करने जा रहे हैं। इसके बाद बैंक से स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे तो हमें पता चला बैंक वालों ने हमें इंटरेस्ट भी दिया 3,000, हमने कैश बुक में देखा कैश बुक में जमा नहीं हुआ था, तो वो भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि मैं जमा करने जा रहा हूँ। ये करने के बाद मैंने दोनों को जमा किया तो मुझे पता चला मैंने कैश बुक में टोटल 23,000 जमा नहीं किए जो अब मैं करने जा रहा हूँ। मैंने जमा किया तो मुझे पता चला टोटल 37,800 हो गए। इसके बाद फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मुझे उससे पता चला कि बैंक वाले ने मुझसे सर्विस के पैसे काटे 1,000 रुपये जो मैंने कैश बुक से माइनस नहीं किए, तो वो मैंने लिख लिया कि अब मैं माइनस करने जा रहा हूँ। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था, उससे मुझे पता चला कि बैंक वाले ने मुझसे ज़कात के पैसे भी काटे 800 रुपये जो मैंने कैश बुक से नहीं काटे, वो भी मैंने लिख लिया अब मैं माइनस करने जा रहा हूँ। दोनों को जमा किया तो मुझे पता चला मैंने कैश बुक से टोटल 1,800 रुपये माइनस नहीं किए जो अब मैं करने जा रहा हूँ। तो बेटा मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका? 36,000 आ गया। कैश बुक में हम ऐड भी कर चुके हैं, लेस भी कर चुके हैं, अब हमारा कैश बुक से कोई लेना देना नहीं। अब हम आएंगे बैंक स्टेटमेंट की तरफ। बेटा यहाँ लाइन लगाएंगे, इस अमाउंट को नीचे ट्रांसफर कर देंगे 40,000 रुपीज़ को। 40,000 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब हम यहां पर हेडिंग देंगे एडजस्टमेंट इन बैंक स्टेटमेंट। अब हम लोग बैंक स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो कि इसके सामने क्यों लिखे, आप लोग मर्जी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले ऐड लिखेंगे, ऐड का मतलब प्लस करना। अब जो बी प्लस वाली एंट्रीज है वो हम लिखेंगे। हमारे पास बी प्लस वाली पहली एंट्री कौन सी आ रही है? 8, सीरियल नंबर 8। क्या लिखा हुआ है? अनक्लियर चेक। अनक्लियर चेक 8,000 है। इसके अलावा और कोई एंट्री हमारे पास नहीं है जो बी प्लस करे, एक ही है। तो यहां लाइन लगा के इस अमाउंट को हम बैंक स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि अब हम एडजस्टमेंट किसकी कर रहे हैं? बैंक की कर रहे हैं।
तो 40,000 में 8,000 जमा हो, कितने हो गए 48,000 हो गए। क्लियर। अब इसके बाद हम लेस की हेडिंग देंगे। अब जो बी माइनस वाली एंट्री है वो देखें, बी माइनस वाली भी हमारे पास सीरियल नंबर 6 है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग चेक कितना है 12,000 रुपये, 12,000 मैंने लिख लिए, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं, लाइन लगा के इस अमाउंट को विदड्रॉ ट्रांसफर कर दिया। इस अमाउंट को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमने बैंक स्टेटमेंट से माइनस करना है। 48 में से 12 गए, कितने बच गए 36,000, 36,000 ये हो गए। इस अमाउंट को भी नीचे ट्रांसफर कर देंगे 36,000, कैश बुक में भी 36,000, बैंक स्टेटमेंट में 36,000। इसका मतलब दोनों अमाउंट एडजस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे कैश बुक में भी 36,000 होने चाहिए और बैंक स्टेटमेंट में भी 36,000 होने चाहिए। नीचे डबल ना लगा के रूल ऑफ कर देंगे और यहाँ इसके सामने लिख लेंगे एडजस्टेड बैलेंसेस। तो ये था आज हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सिंपल जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता वो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसमें एरर वाला क्वेश्चन समझाऊंगा कि जब गलती होती है तो आप लोग उन गलतियों को कैसे ठीक करते हैं। क्लियर। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।